सोलन हेल्पिंग सोसाइटी ने धूमधाम से देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई। इस मौके पर सभी युवाओं ने उनकी छायाचित्र पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित सभी युवाओं को संस्था के संस्थापक विजय भट्टी ने स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा देश के विकास के लिए दिए गए योगदान के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें मिसाइल मैन के नाम से क्यों जाना जाता था। वहीं उनकी विचारधारा से भी युवाओं को अवगत करवाया गया। उपस्थित सभी युवाओं ने उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा भी ली। इस मौके पर संस्था के प्रेस प्रभारी राहुल दास ने कहा कि आज उनकी संस्था द्वारा स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। वहीं संस्था के सदस्यों को उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया गया। उन्होंने कहा कि आज सभी भारतवासियों को गर्व है कि उनके राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्व थे जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि उनसे सभी उम्र के नागरिकों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिस पर उन्हें बेहद गर्व है। जी, सोलन हेल्पिंग सोसाइटी की तरफ से आज हमने हमारे स्वर्गीय लेट श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्मदिवस पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया के लिए बहुत ही विख्यात साइंटिस्ट माने गए हैं, जैसे कि उन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति कहा जाता था। हमारे इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें की हैं और साइंस में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हर एक तरह के मिसाइल्स उनके द्वारा हमारे इंडिया के लिए दी गई हैं। आज उनकी जन्मतिथि है 15 अक्टूबर को और हमें शोक भी है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, पर उनके जो योगदान है हमारे इंडिया के लिए, हमारी साइंस के लिए, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि यूथ के लिए हमारे लिए वो पहले भी इंस्पिरेशनल थे, अभी भी इंस्पिरेशनल और आगे भी प्रेरणादायक हो रहेंगे। मैं आगे यूथ के लिए ही उनसे आग्रह करता हूँ कि वो इनसे कुछ सीखें, इनसे कुछ जो ज्ञान प्राप्त होता है वो इनसे ज्ञान प्राप्त करें और अपनी लाइफ में अच्छे एक उसको कार्य में ला सकें। आज के दिन हमने जो सोलन हेल्पिंग सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन्होंने मिलजुल के हमने इन जन्मदिवस पे हमने इनको श्रद्धांजलि दी है, फूल अर्पित किए हमने इनको, और आने वाले समय में भी हम इसी तरह से आगे कार्य करते रहें।